नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज़ में। ग्रैंड न्यूज़ की खास पेशकश नो दी नॉलेज पार्क देख रहे हैं आप, और ये नॉलेज नो दी नॉलेज पार्क का एक तीसरा एपिसोड है। नो दी नॉलेज पार्क में हम बातचीत करते हैं विस्तार से नॉलेज पार्क के बारे में। नॉलेज पार्क आज देश के, और देश ही नहीं, अलग अलग देश, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के छात्र भी जो है नॉलेज पार्क आते हैं। क्यों आते हैं नॉलेज पार्क, आखिर क्या है नॉलेज पार्क में, इसके बारे में हम जानते हैं अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के जो डायरेक्टर हैं, VC हैं, उनसे बातचीत के दौरान। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं शारदा विश्वविद्यालय में, और शारदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिबाराम खारा आज हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत के दौरान हम समझेंगे नॉलेज पार्क के बारे में और शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानेंगे। सर, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में। सबसे पहले ग्रैंड न्यूज़ की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप शारदा यूनिवर्सिटी, आपके नेतृत्व में NAC का एक्रेडिशन भी इसे मिला, और NIRF रैंकिंग भी इसकी आई है, 87th आई है टॉप 100 में। भारत की 100 जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उसमें शारदा विश्वविद्यालय का 87वां स्थान आप प्राप्त हुआ है, ये भी सर आपकी एक उपलब्धि रही है, पहले इसके लिए बधाई। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, नो दी नॉलेज पार्क के कड़ी में हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि नॉलेज पार्क क्या है और नॉलेज पार्क को आप कैसे देखते हैं। देखिए, नॉलेज पार्क एक ज्ञान का समुंदर है, बिकॉज ग्रेटर नोएडा जो प्लान करके बनाया गया था कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स विल बी को एग्जिस्टिंग हियर, एंड यहाँ आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, एंड सम ऑफ दी एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं नॉलेज पार्क में, पूरे ग्रेटर नोएडा में। और ये दुनिया का पहला सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेंटर है, और इट हैज़ बिकम एजुकेशन हब, और इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये वेल कनेक्टेड इन दी दिल्ली, सो इट इनका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और ये एक नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा का क्या है कि दुनिया का कोई भी स्टूडेंट्स अगर कुछ पढ़ना चाहें तो ये एडमिशन ले सकता है, और सुविधाएं भी बहुत है क्योंकि ये रेजिडेंशियल सिटी है, तो जब आते हैं और डिफरेंट कंट्री स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट स्टेट स्टूडेंट्स, दे एक्सचेंज द व्यू, शेयर्स एंड थॉट्स अमंग देमसेल्व्स, एंड दे गेट ए गुड एकोमोडेशंस फॉर रेजिडेंस परफॉर ऑल्सो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स वाई नॉलेज पार्क बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल है और बहुत अच्छा है। सर, आज के समय में बात किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर NAC का एक्रेडिशन है, NIRF रैंकिंग है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि NAC और NIRF है क्या, और जो शारदा विश्वविद्यालय ने इसे अचीव किया है उसके बारे में भी आप संक्षिप्त में बताएं। देखिए, NAC और NIRF में अंतर है। NAC है एक एक्रेडिशन बॉडी, एक्रेडिशन काउंसिल है, ये एक इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशंस का कैसे सिस्टम आप चलाते हैं, आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस, आपका पॉलिसीज और उसका इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के तहत क्या आपका इफेक्टिवनेस के आउटकम आया है ओवरऑल, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मेनी मोर थिंग्स, कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज एट्सेट्रा। तो उन्होंने, NAC ने एक बेंचमार्क सेटअप करके रखे हैं कि आपको ऐसा ऐसा होना चाहिए, देन यू विल बी गेटिंग दिस मच मार्क्स। तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी के नाते ये सारे चीज़ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, और करते हैं, और NAC का टीम आते हैं और वो इवेल्युएट करके उनको एक ग्रेड देता है जी। तो ये एक एक्रेडिटेशन एजेंसी है जो कि एक क्वालिटी बेंचमार्क ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस को इंश्योर करता है, वर एज NIRF एक रैंकिंग है। अब रैंकिंग का उन्होंने जो 5 वर्टिकल्स उन्होंने बनाया है कि टीचिंग लर्निंग, देन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड देन स्टूडेंट्स आउटकम, एंड देन योर आउटरीच, एंड देन परसेप्शन। तो ये 5 पहलू में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स चाहिए, क्या क्या डेटा चाहिए उन्होंने मांगा है, और उसको इवेल्युएट करते हैं, करने के बाद मार्क्स देते हैं, तो उनका जो मार्क्स आते हैं उनका एक रिजल्ट निकालते हैं, एंड देन पोजिशन निकालते हैं। तो इसी के माध्यम से एक रैंकिंग होता है सारे यूनिवर्सिटीज़ का। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस ईयर शारदा यूनिवर्सिटी हैज़ रैंक्ड 87 इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द शारदा यूनिवर्सिटी, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स वी आर 151 टू 200, देन 101 टू 150, एंड नाउ वी आर विद इन 100,
that is 87, and we are sure we are moving as per our target, and our next target is that we have to come below 50 in all categories including government and private. So this is the NAC and NIRF, and इनका महत्व आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ को मेटिकुलसली इसको फॉलो करना होता है, और जो भी एक्रेडिटेशन ग्रेड मिलते हैं या जो भी रैंक मिलते हैं वो यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट्स का एक सिस्टम प्रोसेस प्रैक्टिस और उनका प्रोफाइल और अचीवमेंट्स का एक इंडेक्स है। तो जिसका ज़्यादा अच्छा रैंक है उसका सटनली अचीवमेंट अच्छे हैं और फैकल्टी अच्छे हैं, रिसर्च अच्छे हैं, टीचिंग लर्निंग अच्छे होते हैं, एक एक मानदंड होता है और इसी को मान के स्टूडेंट्स लोग प्रेफर करते हैं एडमिशन में। जैसे हम लोग सोने में बात करते हैं कि हॉलमार्क होना चाहिए तो उसकी शुद्धता की जांच होती है, तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर NIRF रैंकिंग अच्छी है, NAC एक्रेडिटेशन है, तो आप ये मान सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग का जो अप्रोच है वो सही है। अब मेरा सवाल आपसे होगा कि शारदा यूनिवर्सिटी का जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की आज के समय में बात होती है उसे शारदा यूनिवर्सिटी कैसे प्रमोट कर रही है, आज के समय में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, शारदा इन चीज़ों को कैसे प्रमोट कर रही है होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए? शारदा यूनिवर्सिटी मेटिकुलसली आउटकम बेस्ड एजुकेशन को फॉलो किया है। इनका जितने करिकुलम हैं ऑल करिकुलम्स आर डिफाइंड विद द डेफिनेशंस ऑफ द कोर्स आउटकम्स एंड द प्रोग्राम आउटकम्स एंड ऑल्सो इट्स असेसमेंट मेथड्स। सो कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स आर बेसिकली द स्किल्स नॉलेज एंड एटीट्यूड विच विल बी एक्वायर्ड बाई द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स और ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसको ध्यान में रखते हुए हमारा फैकल्टी का ट्रेनिंग होते हैं, दे आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ ऑल आउटकम बेस्ड एजुकेशन। इसको इनका मैक्सिमम नॉलेज और स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए टीचिंग लर्निंग में पेडागोजी कैसे होना चाहिए और स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करना है फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सो दैट स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम नॉलेज स्किल्स एंड ऑल्सो दे डेवलप देयर एटीट्यूडनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज सॉफ्ट स्किल्स। एंड इसके करने के लिए हमारा जो लेबोरेटरीज हैं, हमारा रिसर्च सेंटर्स हैं और इंडस्ट्री इंटीग्रेशन सेल बिकॉज रियल लाइफ लर्निंग वेयर दे विल बी एक्चुअली अप्लाइंग देयर नॉलेज। एंड ऑल्सो शारदा यूनिवर्सिटी अडॉप्ट्स द कम्युनिटी कनेक्ट विच इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। दे गो, दे अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वर्क ऑन द प्रॉब्लम। सो ये एक अच्छे सिटीजन बनाने के लिए, सो दैट वन साइड दे विल लर्न, दे विल हैव द स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, अदर साइड दे विल अप्लाई दिस टेक्निकल स्किल्स एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एंगेज इन अदर एक्टिविटीज इन लॉट ऑफ कल्चरल स्पोर्ट्स एंड हैकाथॉन एंड अदर एक्टिविटीज इन साइड द यूनिवर्सिटी एज वेल एज आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। ओवरऑल शारदा यूनिवर्सिटी हैज़ बिल्ड अप ए वेरी एक्सलेंट इको सिस्टम फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स आर इफेक्टिवली एंगेज सो दैट वी फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स टू एक्वायर मैक्सिमम नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड। सर बेसिकली इस नॉलेज नो द नॉलेज पार्क के सीरीज में जो स्टूडेंट्स व्यूअर हैं हमारे उनके कुछ भी क्वेश्चन जो है हम लोग जो हमारे साथ जो शिक्षाविद होते हैं उनसे हम लोग पूछ लेते हैं। तो एक स्टूडेंट के बीच में जनरल कन्फ्यूज़न होता है कि हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जैसे AKTU है या शारदा यूनिवर्सिटी है, तो कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं वो किस तरीके से किस पैरामीटर पर डिसाइड करें कि उन्हें किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना चाहिए? देखिए आजकल का इतना ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंशिएशंस नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली सी NIRF रैंकिंग आउट ऑफ 100 लास्ट ईयर 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर एंड दिस टाइम 39 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर। सो इंक्लूडिंग ऑल दी टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट्स वेयर प्राइवेट्स आर सो ह्यूज एंड देयर रिकॉर्ड्स आर वेरी गुड। सो whether it is private or whether it is government, the students must see, they explore what kind of faculty members, infrastructure, resource, laboratories and also NAC and NIRF ranking is there. Based on that they will take the admission. So they should not at all differentiate merely that it is private or it is government. They should see independently, very impartially, really what program is there, where the they are very strong and what placement can happen, and maximum the outcome based education system is adopted and accordingly they should take the admission. And also they should look for the locational advantage, because sometimes locations near Delhi or locations near industry or all other factors are involved. So it depends on the students,
बट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दिस इज नो लॉन्गर इट इज़ ए क्राइटेरिया टू बी नो टेकन इन टू अकाउंट इट इज़ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट सो यू लुक फॉर द प्रोफाइल ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एंड देन टेक एडमिशन। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे सर, ये सवाल जो हमारे व्यूअर में जो पेरेंट्स हैं उनके सवाल हैं, नॉलेज पार्क में अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई बच्चा इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई सोशल साइंस में है, लॉ में है, बच्चे आज के समय में तनाव में काफ़ी रहने लगे हैं, या कई बार उनके पास काम होता है फिर भी तनाव होता है, नहीं होता है फिर भी तनाव होता है, और इसके साथ ही साथ पैरेलली चकाचौंध में कई बार बच्चे काफ़ी रूरल एरिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, बिहार से, यूपी, झारखंड, बंगाल, तो वो नशे, तनाव, इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे लेकर के आपका क्या संदेश होगा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी क्या मैसेज होगा, दोनों ही मैसेज आप एक साथ शेयर करें। नहीं, पहले तो बच्चों और पेरेंट्स से हमारा ये मैसेज है कि तनाव नहीं लेना चाहिए। टेंशन और डिप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उस इफ यू टेक द टेंशन और नो इफ यू आर इन डिप्रेशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, ये केवल नुकसान ही करेगा। सो टेंशन तनाव ना लेके फ्री होके पढ़ाई करना चाहिए। व्हाट एवर डिसिप्लिन दे हैव टेकन एडमिशन, ईच एंड एवरी डिसिप्लिन देर इज ए स्कोप ऑफ नो एस्टेब्लिशिंग द करियर एंड लाइफ, सो दे शुड फोकस ऑन दैट एंड दे शुड पुट टाइम एंड दे लर्न। वंस दे हैव लर्न एंड दे हैव एक्वायर्ड द नॉलेज एंड देन जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ऑलरेडी देयर, सो बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम दे शुड नॉट थिंक सो मच नेगेटिवली और टेक डिप्रेशन व्हाट विल हैपन, बिकॉज डिप्रेशन एंड नेगेटिव थिंकिंग इज दैट विच इज एक्चुअली नॉन रियलिस्टिक एंड इमेजिनरी एंड आई एम थिंकिंग देन आई एम टेकिंग टेंशन। सो विद द टाइम लेट अस बी वेरी पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज गेन एंड कंप्लीट द प्रोग्राम एंड देन जॉब अपॉर्चुनिटीज आर एनर्मस। नाउ इट इज वेदर इट इज इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग और बिजनेस, लॉ और एनी अदर प्रोग्राम, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप। So students should be free from the tension and depression, they should concentrate on the study. Second, जो चकाचौंध और नशा और इस तरीके की कई चीज़ें अब आने लगी है, तो इस पर आपका संदेश चाहिए। नहीं, उसमें क्या कि दिस थिंग्स वी हैव हर्ड एंड ऑल्सो सीन देयर इंटायर वर्ल्ड, दीज आर द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर अराउंड अस, बट इट स्टूडेंट शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड ट्राई टू रियलाइज दैट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू एड वैल्यू इन द लाइफ and what is good in the life, what is not good in the life. So it is a very simple thing. Only the weak students or some of the children which are not so well matured, well aware of, maybe allured to some of the malpractices, but that is not good. So they should be very careful and cautious. These things in very good to see that young generations are very clever and they are not easily to be trapped by this. And I have full confidence that they have very smart attitudes and they know what is good and what is bad. And current generations are coming up, so they should be stay away from such all these type of practices which will help them in the life. थैंक यू सर। तो अभी आप नो द नॉलेज पार्क की इस कड़ी में हमारे साथ थे शारदा इस विश्वविद्यालय में, और शारदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से आप सुन रहे थे कि नॉलेज पार्क क्या है और शारदा किस तरीके से जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है उसे प्रमोट कर रहा है। आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।